जी सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में खुश आमदेद। इज प्रेजेंट बाय पैंथर टायर्स, ऑफ कोर्स पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स एंड zameen.com। हर पता हमें पता है। लेट्स से टू द पीपल इन क्राइम एंड पीपल इन यू नो फ्रेंडशिप एंड ऑफ कोर्स माय पार्टनर्स इन क्राइम, लेडीज एंड लेट्स से हेलो टू सलीम मलिक साहब एंड लेट्स से हेलो टू अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हाउ डू यू फील सर? आज थोड़ा बेहतर हो गए, रुलते गए हैं, 50 बड़ी आई है। हाँ, मतलब लगा दे। हाँ नहीं, वो भी लगा दे, रुलते गए हैं, 50 बड़ी आई है, वो भी लगा दे। लेकिन हाँ, आपने जो डेडिकेशन बाबर आजम को दी है वो मैंने इनसे कह दिया था, तो वो आते ही मैं लगवा रहा हूँ। आपने जो डेडिकेशन कही है, इन्होंने इन्होंने एक गाना चुना नसीबो लाल का। अच्छा। बोले ये मैं बाबर को डेडिकेट कर रहा हूँ, तो मतलब आई डोंट नो, सिर्फ बाबर ही है। आई थिंक पूरी टीम को डेडिकेट करना चाहिए, बट इट्स स्टिल ऑल जोक्स एंड फन, इट्स ओवर। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, दैट्स फाइन, इट्स ओके। आई होप एंड प्रे कि जब वापस आए तो हम अपनी चीजों को सही कर सके। बिल्कुल, अगर चीजें ठीक हो गई, जो कि कभी नहीं होनी, लेकिन 12 अगर हो गई तो कोई बात नहीं, अच्छा होनी चाहिए। बहुत टाइम है, अब आ गया है कि आपको अपनी चीजें ठीक करनी चाहिए। आप सुनना चाहेंगे जो इनकी डेडिकेशन है? जी मैं बिल्कुल, मैं तो लेट्स प्ले दैट ना फर्स्ट, उसके बाद हम बात शुरू करते हैं। लगाइए जी, रऊफ की डेडिकेशन है ये। थैंक यू वेरी मच। ओके, आज का मैच इंपॉर्टेंट मैच है। बहुत अच्छी नहीं लगी आप? मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मैंने कहा ये सुबह सुबह के वक्त ना इसको लगाएंगे बाद में, इसको क्यू करके रख लो, जहां से गाना शुरू होता वहां से लगाएंगे, इतना म्यूजिक सुनने का दिल नहीं। अच्छा, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, इसकी इंपॉर्टेंस नेदरलैंड के लिए तो हो सकती है। इट्स अ प्रैक्टिस मैच, सेरेमोनियल मैच, इंडिया का फाइनल मैच है, तो आई थिंक इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, इंडिया एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और रिकॉर्ड ये है कि पहली मरतबा इंडिया बगैर कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ये बड़ी बात है किसी टूर्नामेंट में, देखे ना। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये न्यूजीलैंड ने भी ऐसे किया था। हाँ, जब हम 92 श्रीलंका ने ऐसे किया था, श्रीलंका जीत गया था। हाँ, श्रीलंका वो वर्ल्ड कप जीता था जिसके अंदर श्रीलंका ने कोई मैच नहीं हारा। हाँ, मगर मोस्ट अक्सर होता यही है कि एक दिन आपका बुरा आता है, और वो न्यूजीलैंड 9 मैच जीता था, 8 या 9 मैच, थ्रू आउट कोई मैच नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि वो अपने मुल्क में ही खेलता रहा। ओके, और जब हम वहाँ गए, वो चूंकि विकटें हमें भी सूट करती थी, ट्रू स्लो विकेट थी, तो वो एक मैच हारा और वो सेमीफाइनल बाहर हो गया। तो ये they were hot favorites basically, they were hot favorites, तो ये मुझे लगता है कि आज तो खैर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, उनका एक मैच ही है कि वो खेलेंगे, पर मेरा ख्याल है वो कोशिश करेंगे नेदरलैंड वाले के मे भी थोड़ा रिलैक्स खेलिए इंडिया, पर रिलैक्स खेलेगा नहीं वो। नहीं, इंडिया इज नॉट गोना प्ले रिलैक्स, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे इंडिया की साइड की इस वक्त जो सबसे अच्छी बात लग रही है वही लग रही है, वो किसी टीम को कमजोर ले ही नहीं रहे। दे आर नॉट टेकिंग एनी चांसेस, दे वॉन्ट टू लिफ्ट द कप, दे जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर के एवरीवन इज प्लेइंग एवरी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह जो आप बार बार हमेशा कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी बात वो लगी है कि फॉर्मैट क्रिकेट, उनके जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं बड़ी फॉर्मैट क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो वो उनकी फिटनेस के अंदर भी वाजे है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, इंडिया की टीम है आप देखें तो ये सारे लॉन्ग फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं जितने भी इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। इसी वजह से आप इवन बुमराह इंजरी के बाद वापस आए थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने 8 के 8 मैचेस खेले, आज 9वां मैच भी इस वर्ल्ड कप का खेल रहे हैं, और उसमें जो उनका कोटा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंजरी के बाद जब वापस आएंगे तो ये पूरे पूरे कोटा मुकम्मल करेंगे ओवर्स का, मगर हर मैच में उन्होंने अपना पूरा कोटा 10 ओवर्स का मुकम्मल किया है, और आज फिर दोबारा मेरा ख्याल है कि उनको रेस्ट नहीं देगी, और दोबारा आज मैच खेल रहे हैं नेदरलैंड के खिलाफ, और इंपॉर्टेंट और जो सेमीफाइनल है उससे। लेकिन आई थिंक बुमराह को रेस्ट दे देना चाहिए था, आई थिंक आज के मैच को सहर भाई, इनकी ना एक चीज बड़ी अच्छी है, उनके जितने भी दुनिया में प्लेयर होते हैं वैसे सब ऐसे ही होते हैं कि वो उनको पता होता है कि मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, वो हाँ, अपने साथ बेईमानी नहीं करते। देखिए ना, बुमराह वापस आया है तो उसको पता तो है, हमारे प्लेयर्स को नहीं पता होता हम फिट नहीं। हम लोग क्या है, ये लीगों ने ना बड़ा काम खराब कर दिया है। लीगों की वजह से पैसे इतने मिलते हैं कि बंदा हाफ, अब देखे ना शाहीन को ले लें, फुली फिट नहीं था वो, मगर वो जबरदस्ती आके खेल गए, तो उससे क्या होता है कि जो रऊफ का बार बार जिक्र करता है, चूंकि इसने इसमें एम फिल किया हुआ है, तो वो बार बार ये इस चीज़ को दोहराता है कि ये इस वजह से इसका पाँव ठीक नहीं पड़ा, तो लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि यार मैं अगर फिट नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अगली दफ़ा खेल लूँगा, कि मैं प्रॉपरली फिट होके तो हूँ ना। उसकी बुमराह की अगर आप बात करते हैं तो आप देखें, वो फिट अनफिट होने के बाद एक दफ़ा भी उसने कहीं ये नहीं कोशिश की कि मैं हिट मार के लेट जाऊँ या मैं बॉल करके गिर जाऊँ।
दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. लेट्स टॉक अबाउट इट. अगर हमारे पास वो फुटेज है तो उसको रोल कर दीजिएगा. कल जो सरफराज कह रहा हूँ, रिजवान जो है, उन्होंने जब हिट मारी और वो लेट गए, वॉज देर समथिंग. अगर देखें एक एक बात है कि इफ देर इज समथिंग रॉन्ग विद इट विद हिम, तो आई थिंक वो तो उनको वैसे ही खेलना नहीं चाहिए, और माई हार्ट गोज आउट टू हिम अगर ऐसा है. लेकिन अगर ये सिर्फ यू नो एक ऑप्टिक ही है, तो वो बड़ा ऑड सा लगता है बहुत. मतलब इट्स बीन टू मच. सर भाई, इसमें सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए, आप रोल मॉडल है पूरी कॉम के लिए, पूरी जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन उनके लिए. वो आपसे लर्न करते हैं, बच्चे आपसे सीखते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, तो आप उनके रोल मॉडल, आप वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम की. और जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर उसके बाद जो आप यंगस्टर होंगे, बच्चे जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे खेल रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो हर बॉल पे बस इस तरह क्रैम पकड़ ले टांग और कोई ना कोई ड्रामा या एक्टिंग शुरू कर दें. तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि जो साथ इन्होंने साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ, उसको भी बतानी चाहिए, टीम मैनेजमेंट को भी इनको ब्रीफ करना चाहिए कि भाई आपके इस तरह की क्या पता है, साइकोलॉजिस्ट ने बताया ये कर वो बेचारा उसकी आपको नहीं ऐसा. अच्छा, मैं आपको मैं आपको उनकी एक तस्वीर दूंगा, तो वो आपने ना इस सेकंड इंटरवल में आपने शेयर करनी है. क्या है वो तस्वीर? जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको मुझे लगता है खुद किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है. जो जिस साल में वो बैठे हुए थे, जो साउथ अफ्रीका से मैच था ना पाकिस्तान का, साथ में उनके मलंग अली बैठे हुए थे. अब आप पूछेंगे मलंग अली कौन है? मलंग अली हमारे मसाजर है, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और वही ट्रैवल करते हैं साथ. यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी तक मलंग अली की भी रिप्लेसमेंट नहीं आई है. तो क्या नाम उनका? मलंग अली है नाम. मेरे ख्याल वो कहीं ये दादा साहब गए थे, वहां से लेके गए हैं ये उसको. तो अब ये जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इस नैज पे हो, इस अजमत, आई थिंक मेरे लिए मक्का रहने लगा दो यार. आई मैं तो ये बातें सुन रहा हूँ. अरे सार भाई, वो मजीद आपको मैं बता रहा हूँ, वो पाकिस्तान का फील्डिंग असिस्टेंट कोच है, जो यहाँ इनके, बस मैं आपको क्या बताऊँ, चाय पिलाता था वहाँ अकेडमी में. अब क्या वो मतलब चाय पिलाता था? वो सर वो खिदमतें ही करता था. अब वो देखें असिस्टेंट कोच है. बस एक बार बंद करें, कट करें, दोबारा लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे. ठहरिए मुझे, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई हैव नो. ओके, सो मैं अभी मलंग अली से नहीं निकला था कि आपने मजीद साहब की बात करी. हु इज मजीद साहब? सर आई डोंट नो. मैं खुद मैंने जब पहली दफा सुना. अच्छा, आपको मैं मजे की बात बताऊं. मेरा छोटा बेटा ना खेलता है, तो वो अकेडमी अंडर 16 के लिए सिलेक्ट हुआ, तो मैंने कॉल की इधर उधर, तो उसने मुझे कहा अबू कि ये ना कोई मजीद हैं वहाँ, तो शायद आपके साथ खेले हो. मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो कभी नाम सुना ही नहीं है. तो कहते हैं कि ज़रा उनको वो फील्डिंग करते कराते हैं, तो ज़रा उनको कह दीजिएगा मुझे फील्डिंग की प्रैक्टिस ज़रा एक्स्ट्रा करवा दिया करें. मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये खैर डरते डरते मैंने कॉल की, पता नहीं कौन है कौन नहीं है. वैसे तो मुदस्सर भाई थे, उनसे तो डायरेक्ट बात हो जाती थी. तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार वो मेरा बेटा खेल रहा है. मैंने उसको नाम बताया, तो मैंने कहा मेरा बेटा खेल रहा है, तो यार ज़रा उसका फील्डिंग की ज़रा प्रैक्टिस कर रहा है. कहते हैं आप ये काम करें, इसको ना मेरे पास भिजवाया करें, मैं इसकी कोचिंग करूंगा बैटिंग बूटिंग की भी. अब मैंने मलिक को एक दिस इज लाइक काइंड क्रेजी. वापस मलंग अली भी है? नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस. It is your honest to God. मैं आपको सर, मैं इसको मैं केस बना रहा हूं, मुझे समझने तो दीजिए. I am not understanding this. अच्छा, मैं ना थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया. Let me go back. मैं शॉक में चला गया हूं. उसे ये पता था कि वो सलीम मलिक से बात कर. हाँ, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ. पता होगा सलीम भाई. यार क्या बात कर रहे हो राहुल? वो ये कह रहा है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें और अपने बच्चे को मेरे पास भिजवाया ताकि मैंने बैटिंग प्रैक्टिस करवाऊं. इसको And he knows that is सलीम अली खान. उसकी कुछ चीजें जो है ना वो ठीक नहीं है. ओके, तो आपने भिजवाया? मैं थोड़ा सा ना शॉक में पहले गया. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार मैं उसके साथ खुद जाता हूँ जिम खाना, प्रैक्टिस करते हैं हम इकट्ठे, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा ठीक ही खेलता है. तो कहता है नहीं, इसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं जो मैं इसके ठीक कर सकता हूँ. अच्छा, मेरा दिल तो किया मैं पहले पूछूं कि कौन से हैं, फिर मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, मैं ना उसको कहता हूँ कि आपके साथ ना एक्स्ट्रा टाइम लगाया करे. तो वो कुछ देर के बाद ना आया घर ना एक दिन, मुझे कहता है अबू वो मेरे से तो ड्राइव ही नहीं हो रही, मेरी तो उन्होंने गेम ही चेंज कर दी है, पता नहीं मुझे क्या सिखाते रहते हैं. वो मैं गया ना तो ऑफिस ड्राइव मार रहा था, तो मैंने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा जी वो कोचिंग वाले यही सिखाते हैं कि इस तरह खेलना है, तो वो मेरे से अब समझ नहीं आ रही मुझे. मैं उसको फिर डांटा, मैंने कहा वापस आओ अपनी गेम पे,
इसको तुम प्रॉपर ऊपर जाके नहीं खेल रहे, तुम पीछे से ही मारे जा रहे हो। तो कहता है जी वहाँ वो बंदा मुझे यही कह रहा था कि इस तरह खेलो। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये लोग हमारे साथ गए हुए हैं और वो किसी के बच्चे को खिलाता रहा। मैं उस वहाँ नहीं जाना चाहता। एक ना एक डॉक्टर, एक और भी सुन ले, थोड़ा थोड़ा सुन ले, सुन ले जरा, ये भी सुन ले। डॉक्टर साहब भी हैं हमारे ना, वो भी अकेडमी में पिछले 40 साल से, मैं शायद उस वक्त एक ब्रेक लेने दे मुझे। ले ले, मैं ना अगर चकरा के गिर पड़ूं तो प्लीज मुझे आप लोग इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता देते हैं। ब्रेक जी। All right, once again, welcome back. Stories are there. India and Netherlands are, you know, about to start the game. But games is other interesting cheez jo mujhe lag rahi hai, wo aaj ye baat lag rahi hai. So, we were talking about Majid saab. To kya thoda sa mujhe bataye, to se kya hai? And then phir ek aur shocking si news mujhe mili hai. वो वीडियो आपने एक तस्वीर दिखानी है। तस्वीर आ गई है वो? मुझे जरा तस्वीर दिखा दीजिए, अगर अगर आ गई है तो फिर let you know, Rauf explain it. अगर तस्वीर आ गई है तो मुझे बता दें, आई है नहीं आई अभी? अभी आई थिंक वो लोड कर रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे। सो अच्छा वो ना आपको मैं स्टोरी सुना रहा था, डॉक्टर साहब है हमारे, वो पिछले ना जब मैं अंडर 19 आपको बताया 93 से मैं आया था, तो उससे भी पहले से देख रहा हूँ मैं उनको ना। तो आज 2023 है, 23 साल ये हो गए और साथ 30-40 साल हो गए उनको। वो बारियां लगी आ जाते हैं बार बार ना, कभी किसी की सिफारिश करवा के, कभी किसी की सिफारिश करवा के। वो एक दिन हमारा एक दफा ना कैंप लगा था 2004 की बात है या 5 की। हाँ। तो हमारे ओपनर थे, उनको हो गया बुखार। ओके। टेस्ट ओपनर है हमारे पास आपके कराची के। ओके। तो वो ना उनको इंजेक्शन लगा रहे डॉक्टर साहब। अच्छा वो थोड़े से डरपोक थे, उन्होंने मुंह इधर किया। डॉक्टर साहब डरपोक थे? नहीं, वो जो हमारे ओपनर थे। ये वहाँ सॉरी 2-3 डॉक्टर हैं, ये आप किन की बात? ये मैं बताता हूँ, वो ना पिंडी से हैं, तो वो उनको ना इंजेक्शन दे रहे, वो बस उसने मुंह इस तरह किया हुआ। तो थोड़ी देर बाद ना वो डॉक्टर साहब कहीं भूल गया, कोई फोन शोन उनका आ गया, इंजेक्शन सुई अंदर ही थी। तो उसने उसने देखा देर हो गई है, उसने मुंह इधर करके देखा तो उसमें दवाई नहीं है। कहता यार डॉक्टर साहब यार इसको निकाल दे, या इसमें दवाई डाल दे। ये तो हाल है, और वो बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। एक दफा पता मेरा हैमस्ट्रिंग खराब हो, मेरा ख्याल राउत दवाई डालने के लिए वो कराची में हैमस्ट्रिंग मेरा खराब था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा हैमस्ट्रिंग खराब है, कुछ कर दें, बजाय इसका कुछ कर दें, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता, मुश्किल होता है हैमस्ट्रिंग। मुझे कहते हैं आओ मेरे साथ स्विमिंग करते हैं। वैसे स्विमिंग से हैमस्ट्रिंग ठीक हो जाता है? नहीं, और खराब हो गया था, अगले दिन चल भी नहीं सका। और लेकिन यूजुअली कहा जाता है कि अगर आप स्विमिंग करें तो उससे हैमस्ट्रिंग ठीक हो जाता है। अगर तस्वीर अपलोड हो गई है तो मैं बता रहे थे कि आगे चेंजिंग क्या होगी पीसीबी में। नहीं अच्छा, और तो मुझे आपको नेक्स्ट चेयर में दिखाना चाहता हूँ पीसीबी का स्ट्रक्चर में। अच्छा मुझे आप एक और बात भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अब उनके अंडर हैं, किन की बात कर रहे थे आप? वो भी मसाजर हैं, मसाजर थे ना वो, इधर रखे हुए थे पीसीबी में, तो वो एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। आप किस स्पोर्ट्स के हैं? पीआईए के। तो वो ना बड़े बड़े हमारे लेजेंड्स उनके अंदर काम करते हैं। एक दफ़ा हम ना बांग्लादेश चले गए, तो मेरा उधर भी थोड़ा सा फास्ट बॉलर होता है, उनको ज़ाहिर है कभी काफ कभी हैमस्ट्रिंग, गर्मी होती है तो फुल हो गया। तो आकिब जावेद थे हमारे कोच, मुझे कहते हैं यार वो अंदर होगा तो उसे करवा लो थोड़ा सा मसाज। मैं अंदर गया हूँ, वो खुद उल्टे हुए हुए, उन्होंने आगे एक बंगाली रखा हुआ लड़का, उससे मसाज करवा रहे। मैं वैसे जानता हूँ उनको। आप बहुत अच्छे थे, हमारे टाइम पे भी थे मेरा ख्याल। हाँ हाँ बड़े पुराने हैं। मसलन के वो प्रोफेशनलिज्म की आप कह सकते हैं कि इंतहा है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना, इतना प्रोफेशनल डिपार्टमेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा। अच्छा ये हमारे यहाँ, लेकिन ये आइडिया दिया किसने उनको कि इनको स्पोर्ट्स हेड बना देना चाहिए? वो तो पाकिस्तान में देखें क्या नहीं हो सकता। पाकिस्तान टीम में जो होता क्या है, आप कैंप लगता है ना तो जो कुछ लोग आते हैं ना, तो वो अगर किसी को अच्छा लग जाए तो वो टीम में उसकी जगह कहीं ना कहीं। एक एक सही, मैंने बड़ी काम की बात याद करवा दी। एक लड़का ऐसी प्रैक्टिस करवाने आता होता था, ऐसी बॉल करवाने ना, ना वो 3 में ना 13 में, ऐसी गली मोहल्ले से पागल सा होता था बेचारा साहब। को कभी कोई थ्रो करवा रहा था, कोई पानी मंगवा रहा था। मैं कार्डिफ में वो खेल रहा उधर से, कौन सी काउंटी है यार वो कार्डिफ में, गलबोर्गन। हाँ। पाकिस्तान की टीम उधर आई, वो साथ साथ उधर ही,
बैग उठाया हुआ, उसे हमारे कैप्टन का साथ जा रहा है। मैंने कहा तू किधर, कहता ये भाई मुझे भी साथ ले आए। मैंने कहा किस बेस पे, कहता पाकिस्तान टीम के साथ। मैंने कहा पाकिस्तान टीम के साथ, कहता बस उन ले आए मुझे इसी काम के लिए जो मैं काफी स्टेडियम में करता था। क्या करते थे वो? वो पानी पिला दिया, वो कपड़े इस्त्री करवा दिए, थ्रो डाउन कर दिया। नहीं बट वो पाकिस्तान तो नहीं खेले ना? नहीं कौन सा पाकिस्तान, वो बेचारा जहनी थोड़ा सा कमजोर था। अच्छा। तो वैसे ही उन्होंने रखा हुआ था आज के लिए लेके गए। यानी कि आप ये इतनी स्टोरी है खुदा की कसम। चलें फिर करें तस्लीम भाई से। हाँ जी तस्लीम भाई से आप पूछे माकर है ना, लगा दो यार। स्टोरी बहुत है वैसे, स्टोरी बहुत। नहीं सीरियसली मुझे लगता है कि कौन खिलाड़ी का क्या कुछ कर सकता है। आज देखे, आज रोहित ने इनको उड़ा के रख देना ये काबू आ गए ना रोहित के या शुभन के तो इसने इन दोनों ने मैं लगता है बड़ी फैंडी लगानी है। इनकी सारी टीम ही अगर आप देखें नीचे से लेके ऊपर तक, टॉप सिक्स प्लेयर इनके बैट्समैन जो हैं वो। मैं असली में ज्यादा सूर्या कुमार यादव को नंबर तीन पे भेजे हैं। काफी अरसा हो गया कोई बड़ी इनिंग नहीं देखी उसके बाद में। लेकिन सूर्य कुमार का एक जमाने में बहुत अच्छा वो था, लेकिन फिर उसके बाद उनकी जो डिक्लाइन आया है। एक आध इनिंग चाहिए होती है ऐसे को दोबारा टू कम बैक टू इट, टू कम बैक। बहुत बड़ा प्लेयर है वो। ऐसे वो मैं बताऊं इस मैच में वो ट्राई करेंगे सूर्य कुमार ने, कुछ उन प्लेयर्स की जिनकी बारी सही तरह नहीं आई इस टूर्नामेंट में, तो वो कोशिश करेंगे कि ये जो प्लेयर है श्रेयस अय्यर ये भी बड़ा कमाल है, बहुत बहुत अच्छा खेलता है। ऑफ कोर्स विराट इज देयर, हो सकता है आज विराट सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाए। आई मीन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। हालांकि होना तो ये चाहिए था साहिर भाई कि वो आज उनके कुछ प्लेयर रेस्ट करते, मतलब बेंच में जो बैठे हुए उनको खिलाते, मगर चूंकि उसका एक चांस है कि वो हल्की टीम है वो। लेकिन आई थिंक इट्स मोर लाइक कि इंडिया चांस नहीं ले रहा, किसी भी सूरत में वो चांस ले ही नहीं रहा। वो हिस्ट्री बनाना चाहता है, दे वांट टू लिफ्ट द ट्रॉफी बट दे वांट टू मेक श्योर दे डोंट लूज एनी गेम। वो कहीं देखिए, क्योंकि अभी तक बाकी तमाम टीम्स जो हैं उन्होंने गेम लूज भी किए हैं और वो ऐसे भी हुए, बड़े क्लोज गेम भी हुए, लेकिन इंडिया का कोई गेम ऐसा नहीं है जो क्लोज हुआ है। किसी मकाम पर ऐसा नहीं लगा है कि इंडिया वॉज लूजिंग। असल में वो मेरा ख्याल अपना वो एक रिदम जो बन जाता है ना वो उसको तोड़ना नहीं चाह रहे। मुझे याद है हम लोग ना 94 में गए टूर किया हमने इंग्लैंड का, तो वहाँ उन्होंने ना एक इनाम रखा उन्होंने, पता नहीं 50,000 पाउंड के 1,00,000 पाउंड के, जी अगर पाकिस्तान टीम इस टूर पे कोई मैच नहीं हारती तो ये उसको मिलेगा। बहुत मुश्किल सा काम। ये किसने रखा था? गोरो ने। उन्होंने ईसीबी ने के काउंटी का ना, अगर कोई मैच नहीं हारेंगे हम या और पूरे टूर पे कोई मैच नहीं हारते तो आप यकीन करो कि हम सारे मैच जीते। उसकी रीजन ये थी कि लालच थी ना कि यार ये काउंटी के मैच भी नहीं हमने हारने, हम काउंटी के भी सारे मैच जीते, एक मैच नहीं हारे उस टूर पे। एंड देन यू गॉट द मनी ऑब्वियसली। फिर वो एक था कि हमने शुरू में तो इतना सीरियस नहीं लिया, मगर 87 की बात। नहीं ये बात है 94 की, 94 मेरा ख्याल 94 था, उस 94 का ही टूर हुआ ना, 92 के बाद जो टूर हुआ, तो उसमें ना शुरू में तो सीरियस नहीं लिया कि चलो यार ये इतना कौन कर सकता है, इतने मैच कौन जीतेगा, काउंटी के सारे मैच टेस्ट मैच से पहले। मगर वो शुरू में ना हम 2-3 मैच जीत गए, फिर हुआ कि मोमेंटम सा, हाँ फिर ये हुआ कि यार ये तो हम कर सकते हैं। फिर वो इंग्लैंड में हम सीरीज भी जीते टेस्ट मैच की, और फिर वो काउंटी के सारे मैच। बहुत बड़ी टीम। और ये पिक्चर जो है सामने आ रही है सर, बताइए क्या है राउफ? ये साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान का मैच। ये रोकिएगा जरा, रोकिएगा इधर। ये राइट पे मलंगल ही है, मुसाजर है हमारी टीम के, और लेफ्ट पे हमारे साइकोट्रिस्ट हैं जो साथ भेजे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इनके लेक्चर होते हैं साइकोलॉजी पे इनके। जी इनके जो सर पकड़ के बैठे हुए हैं ये तो सागर सिद्दीकी लग रहे हैं मुझे। आई थिंक वो जाहिर है परेशान को ने एक मैच था तो माहौल ही ऐसा बन गया था टेंस। हां वो आई थिंक बहुत 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 टेंस था तो बट आप क्या दिखाना चाह रहे थे इसमें? आई मीन दैट्स ओके। आप देखना चाह रहे थे ना कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन हो सकता है, तो मैंने कहा कि दिखा। व्हाट डू यू मीन नेक्स्ट चेयरमैन ये होंगे? अच्छा ये साइकेट्रिस्ट के साथ जो थे मलंग बैठे हुए थे, मलंग अली भी हो सकते हैं नेक्स्ट चेयरमैन। आई एम गोना टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। मलंग अली चेयरमैन क्या मतलब होगा? होगा तैयार है, तैयार है।
Alright, जी, once again, welcome back. And अगर हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं इंडिया और नेदरलैंड्स का, it's right now in progress. अगर जरा उसको दिखा दें हम दूसरी विंडो के अंदर, तो पता चलेगा कि हम क्या कह सकते हैं. रोहित शर्मा थोड़ी सी ट्रबल का शिकार है, बट इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू कर दी है. एंड आई थिंक इट्स 28 रन्स फॉर नो लॉस अभी तक. तो क्या लगता है कितना टोटल इंडिया पुट अप कर सकता है? इंडिया देखें, ये शर्मा का ये है कि ये प्लेयर तो बहुत अच्छा है. बड़ा तो ये ऐसी टीमों के खिलाफ ना इसकी कोशिश होती है कि मैं जितना तेज स्कोर कर सकूं करूंगा. आप अगर देखें, एक दो बॉल देखे जो हमने, वो बड़ा जल्दी में है. बहुत जल्दी वो हर बॉल पे, अच्छा, हर बात में जल्दी. वो डजंट रियली मैटर कि किस टीम के खिलाफ खेल रहा है, जल्दी में तो वो हमेशा नहीं होता. इस तरह अगर आप देखें तो वो बीच में से क्रॉस नहीं मारता, वो नॉर्मली सीधी शॉटें मारता है या थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल को वो लेके जाता है. यहाँ वो हर बॉल पे वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह हिट करूँ. तो वो उसकी कोशिश होती है ऐसी टीमों के खिलाफ कि मैं बड़ा कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ. तो जो मुझे आज नजर आ रहा है वो लग रहा है कि वो तेज खेलने की कोशिश कर रहा है और बॉल आ नहीं रही. सो व्हाट डू यू थिंक अ गुड स्कोर इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया? इतना भी कर गया 250 से ऊपर तो वो करने नहीं देगा जितनी उसकी स्पिन उनके जो, क्योंकि विकेट जो है वो लग रही है मुझे स्पिन ट्रैक है. तो ये मुझे लगता है कि वो जितना भी उन्होंने 250 से ऊपर कर लिया वो नहीं करने देंगे, वो मुश्किल होएगी. व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है 300 से ऊपर ही इंडिया करेगा. और रोहित शर्मा का बेसिकली ये टाइमर है और इनको पेस चाहिए होती है. अगर पेस होती है तो उसको ये अच्छे तरीके से डाइवर्ट करते हैं, बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं. मगर ये इनके बॉलर्स हैं ज़्यादातर मीडियम पेसर्स हैं, तो वो टीजिंग लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं और वहाँ से अभी थोड़ा सा मॉइस्चर भी है पिच में, तो इस वजह से इनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है अर्ली ऑन. तो इनकी जैसा सलीम भाई ने कहा कि इनकी कोशिश होती है कि बड़ा स्कोर करें, मगर अक्सर ऐसी टीमों के खिलाफ होता नहीं है क्योंकि वो अपनी जगह नहीं छोड़ते बॉलर्स, और बैट्समैन फिर कोशिश करता है कि उनको स्ट्राइक करने की, तो इस कोशिश में आउट हो जाते हैं. तो इसमें अगर देखें जिस तरह कोहली की आपने बात किया, तो मेरा ख्याल है कोहली के पास बहुत अच्छा चांस है आज, क्योंकि वो स्टडी प्लेयर है, वो बना के खेलेंगे. और कोहली नहीं करता, वो कोहली चांस इस तरह के नहीं लेता. वो आप उसकी कोई भी इनिंग उठा के देख लें, वो शुरू में आके थोड़ा सा स्लो खेलता है और वो अपनी इनिंग जितनी देर वो 30-40 नहीं करता उतनी देर तक वो आप देखिएगा वो कभी पंजाबी कहते हैं बोंग ही नहीं मारता. वो ले के चलता है. नहीं, वैसे तो हमारे प्लेयर भी हैं ऐसे ही करते हैं, मगर वो बड़ी इनिंग करते जिस तरह विराट कोहली है फिर वो छोड़ता नहीं. 30-40 के बाद फिर उसकी कोशिश होती है कि मैं 100 की तरफ जाऊं. ये उसमें क्वालिटी है, ये बाकी प्लेयरों से इसलिए वो उसमें और बाकी प्लेयर में फ़र्क ही ये आपको नज़र आता है कि बाकी प्लेयर चांस ले जाते हैं मारते हैं, वो छोड़ता नहीं है फिर. सर वो इफ़ यू धमकल के गेम की बात करते हैं जो कल हुआ है, इंडिया और सॉरी इंग्लैंड और पाकिस्तान का, हाउ डू यू सी इट? इंग्लैंड क्या वाकई हमसे बेहतर खेली है या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली खेली है? देखिए स्ट्रगल पाकिस्तान के बॉलर्स कर रहे हैं, और जिस तरह आपने कल बताया कि पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत ज्यादा रन पड़े हैं इस टूर्नामेंट में, इस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान के बॉलर्स को इतनी पिटाई नहीं. 2385 रन 9 मैचेस के अंदर. इंग्लैंड आप देखें कि इंग्लैंड जो आप बात कर रहे थे, इंग्लैंड के जो पहले चार बैट्समैन थे स्वाय मलान के, सब आउट ऑफ फॉर्म थे और किसी मैच में उनसे स्कोर नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको ऐसी जगह पे बॉलिंग करवाई कि वो भी सेट हुए, किसी ने 60 किया, किसी ने 50 किया और दोबारा फॉर्म में आए. नो डाउट स्टोक्स, उन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी की थी तो वो इन फॉर्म थे, मगर उसके अलावा जो बाकी बैट्समैन है वो तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रगल कर रहे थे. और उनको हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने एक तो सेट कराया, और दूसरा जो हमारे स्पिनर है, मसला फिर वही आ गया कि दोबारा शादाब खान को खिलाया और शादाब खान ने कोई भी. अच्छा, सो हियर इज माय क्वेश्चन. जब हम टीम लेके जा रहे थे, जब अनाउंस हो गया था कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, जब ये पता था कि हम इंडिया की विकेट्स पे खेलने जाएंगे, जब ये पता था कि इंडिया स्पिन विकेट्स बनाएगा, बैटिंग विकेट्स बनाएगा जो स्पिनर को हेल्प करेंगी, तो हमारे पास स्पिन की लॉट क्यों नहीं थी? क्या हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, या जो अवेलेबल था हम उसी में से लेके गए, या हमने जानबूझ के इन लोगों को खिलाया? व्हाट वाज द रीजन? सर प्रोफेशनलिज्म हो तो देखे ना कि वर्ल्ड कप अगर आ रहा है मैगामेंट, तो आपको दो साल पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए. आपको पता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वर्ल्ड कप, इनको पता है 4 साल पहले ही पता होता है कि इंडियन पिचेस पे हो रहा है, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी. आपको पता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे 2 साल से, कोई आउट ऑफ फॉर्म है, कोई नहीं कर रहा. आपने बजाय यंगस्टर को तैयार करने की उनकी रिप्लेसमेंट पे, आप उनको ही चांस देते रहे. यानी कि फिर वही बात आती है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इन सब के. तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रॉब्लम यही है ना कि जितने लोग हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनके रिश्तेदारियाँ हैं, कोई भतीजे भांजे कोई दामाद वगैरह, वो सब तो इन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ लगाए हुए हैं, तो वो फिर अपने प्रोटेक्ट करते हैं जो जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनको. उससे जो यंगस्टर होते हैं जो पाकिस्तान के जो नेचुरल इंतहाई नेचुरल टैलेंटेड बच्चे होते हैं, टैलेंट होता है, वो जाया हो जाता है, उनको चांस नहीं मिलता, तो वो आगे जाके पाकिस्तान सफर करता है.
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल। देखे ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो अब देखे, मैं अगला जो टूर्नामेंट आना है, अब इनको ऑस्ट्रेलिया टीम लेके जानी है, उसके लिए इनको तैयारी ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये सीरीज गुजारनी है। आप लंबा सोचें, आप सबसे बड़ी बात यह, ऑस्ट्रेलिया का जो टूर्नामेंट आना था उसमें आपको तैयारी आज से 6 महीने पहले करनी चाहिए थी, कि आपके पास तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए थी। नहीं, अब तो फेलियर आ गया ना, अब तो आपको आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने जो करना था। ऑस्ट्रेलिया के लिए यू थिंक कि हमारे पास तब्दीलियां होंगी? मैं तो कह रहा हूं सरफेस पे तब्दीलियां होंगी या ग्रास रूट पे जाके तब्दीलियां होंगी? नहीं, वो तो फिर टाइम लगेगा ना, ग्रास रूट पे तो, लेकिन एटलीस्ट सरफेस पे आप तब्दीली देखते हैं? तब्दीली होनी चाहिए, जो यंगस्टर लेके जाने चाहिए इनको। ओके, अगर नहीं लेके जाएंगे तो फिर आप वहीं खड़े हैं। ओके सलीम भाई, योर प्रेडिक्शन, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स। इंडिया। ऑलराइट जी, गेम है, कुछ भी हो सकता है, बट वी शैल सी यू एट 11। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।